वही कांग्रेस की 2023 में विधानसभा में हार और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम आज राजनांदगांव पहुंचे। मोहन मरकाम ने बताया कि आज हम कांग्रेस परिवार के 6 दिवंगत नेताओं के यहां शोक के कार्यक्रम में आए हुए थे और मोहन मरकाम ने भाजपा की सरकार को जमकर घेरा। पत्रकारों से बात करते हुए मोहन मरकाम ने कहा कि जनता भाजपा को व्यवस्था सुधारने के लिए लाया था, लेकिन भाजपा शासन काल में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। लगातार हत्या और लूटपाट के मामले सामने आ रहे हैं। बलौदाबाजार की हिंसा इसका कड़ा उदाहरण है। राजनांदगांव जिला और कौरधा, आज राजनांदगांव जिला और कौरधा जिले के प्रवास में हूँ। हमारे राजनांदगांव जिले में हमारे कांग्रेस परिवार के में गमी हो गई है। उनको शोकाकुल परिवार में हम लोग मिलने जा रहे हैं, उनको सांत्वना देने जा रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं हमारे परिवार के कार्यकर्ता जो हमारे सुख में दुख में हाथ बटाते हैं, उनके दुख में हम उनके सहभागी बने। हम लोगों का प्रयास रहा है और आज हम लोग 6 परिवार जो हमारे शोकाकुल परिवार है उन परिवारों से मिलेंगे, उनको सांत्वना देंगे।